कटोरी लिए दोनों ने खा ले। अंकल मेरे को भी लो ना, मेरा भी चैनल प्रमोट करो ना। ओ हेलो गाइस, तो ये आंटी भी मेरी साथ में आई ना, मैं भी देखते शर्मा रही है। हेलो दोस्तों, तो आज हम जाएंगे नया नगर मार्केट। वैसे तो हमने हमारी शॉपिंग कर ही ली है, बस मेरी सैंडल नहीं मिल रही है जो मैं एक महीने से ढूंढ रही हूँ। जो मिल रही है साइज की वो मुझे पसंद नहीं आती, और जो पसंद है वो साइज की नहीं है। तो चलो आज पापा मम्मी और मैं, हम तीनों लोग जाएंगे नया नगर मार्केट और वहाँ पे चल कर शॉपिंग करेंगे। तो चलो चलते हैं। तो हम आ चुके हैं नया नगर मार्केट, और आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ भाड़ हो रही है, और बहुत सारी शॉप भी अब लग चुकी है। एकदम अच्छा लग रहा है देख करके सब। हम अपनी शॉपिंग स्टार्ट करेंगे इस भीड़ भाड़ से एरिया में। यहाँ पे हमें पता नहीं क्या क्या खरीद पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ भाड़ लग रही है। तो अब हम सबसे भीड़ वाली शॉप में जा कर के मेरे लिए सैंडल ढूंढेंगे, क्योंकि तब से अभी तक मुझे कोई भी सैंडल नहीं मिली है। तो हम लोग आधे घंटे से बस चले जा रहे हैं। हमें यहाँ पे मेरे लिए एक सैंडल नहीं मिली, बाकी मम्मी पापा ने सोडा भी पी लिया। और हम अभी तक आए हैं, तो अभी तक हमने कोई भी शॉपिंग नहीं करी, बस यहाँ पे एक महीने सैंडल ढूंढ रही है। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे पूरे सैंडल की शॉप पे। अब अगर यहाँ पे नहीं मिली तो कहाँ मिलेगी। तो ये आंटी भी मेरी साथ है, ये भी देखते हैं शर्मा रही है। तो अब हम आ चुके हैं ये शॉप पे, अब यहाँ मेरी साइज की सैंडल नहीं मिली, तो अब कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये लास्ट शॉप है। मुझे ठीक नहीं कैंसिल। तो हम लोग दोबारा इस दुकान में आ गए हैं, लेकिन मारिया की साइज की चप्पल अभी भी नहीं अवेलेबल। दिखा आई कोई साइज की? नहीं, वो जो चप्पल थी वो 6 नंबर, सब बड़ी बड़ी है। ये बड़ी है, नहीं ये भी बड़ी। रोज देखता रहता हूँ सर। अंकल मेरे को भी लो ना, मेरा भी चैनल प्रमोट करो ना। ओ हेलो गाइस, दूसरा वाला भी बेटा, आपका पैर अगर थोड़ा बड़ा हो गया ना, बाद में भी पहन सकते। ये तो अभी हमने ये वाली जींस ले ली है, और ये 400 रुपए में अंकल ये हील्स दे रहे हैं, और ये हील्स अंकल हमें रमजान में लूट रहे। तो फाइनली हमें ये दुकान से चप्पल मिल चुकी है, और ये हील्स हमें इतनी पसंद नहीं है, पर अब मजबूरी में लेना पड़ा, क्योंकि अगर हील्स नहीं लेते तो मैं पहनती क्या ईद में। तो इसीलिए कोई नहीं, और अंकल ने वैसे पैसा भी नहीं कम करा। हाँ, रमजान में लूटा वैसे ही जाएगा, हमें पता है, कोई बात नहीं। अब हम आ चुके हैं शादी के लिए चड्डी लेने, और ऊपर आप देखोगे एक बलून किसी का हो रही है। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे रगड़ा खाने, क्योंकि इतनी शॉपिंग करने के बाद हमें बहुत भूख लग रही है। तो हमें कुछ नहीं करी खाली, टाइम पास करी। हाँ, सब गरीब लोग खाना स्टार्ट कर दिए। एक कटोरी में 2 चम्मच लेकर खा रहे हैं, इतने गरीब है कि एक कटोरी लिए दोनों ने खा रहे हैं। तो अभी हमारी रंगने की बहुत प्लेट आ चुकी है, और हमने एक पहले से ही खा लिया है। तो फाइनली हम घर आ चुके हैं, और अभी बज रहे हैं रात के 1, और अभी मम्मी यहाँ पे किचन में हमारे लिए गरम गरम रोटियाँ निकाल रही हैं। और आज मुझे इतनी खुशी मिली, क्योंकि फाइनली पूरे 1 महीने ढूंढने के बाद मुझे मेरी सैंडल मिल गई। वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर हाँ काम चलाओ तो है, वैसे भी एक ही दिन पहनना ईद के दिन के लिए। ओके, और ये मेरा बेचारा भाई, ये बहुत ही दुख में है, अफसोस में है, क्योंकि इसको सिर्फ 2 चड्डी मिली, पर कोई नहीं, ये 2 चड्डी में ही खुश हो गया। नहीं, मैं भी खुश हुआ। अच्छा, 2 चड्डी कौन से कलर की थी? एक ग्रीन की, एक ग्रीन कलर में थी, और एक ब्लू कलर में थी। अच्छा लगा कलर। आज भी मुझे माशाल्लाह मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स मिले, और मुझे एक आंटी मिली जिन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार किया, और मुझे बहुत सारी दुआएं दी, और साथ ही साथ 500 रुपए एडवांस में ईदी भी दी।
पर मैं उनका वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई और उन्होंने मुझे अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी बताया था तो मैं भूल गई। तो अगर आंटी आप ये वीडियो देख रही हैं तो मुझे DM करें। तो अभी हम खाना खाएंगे और फिर उसके बाद आराम करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा देना। थैंक यू, बाय।